तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग SBI के इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से जो भी पैसा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसको दोस्तों आप अपने बैंक में कैसे विड्रॉल करवा सकते हैं या फिर कैसे रिडीम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट ऐप को ओपन करना है जो कि SBI का ऑफिशियल ऐप है जिसके थ्रू आप लोग म्यूचुअल फंड में ऐसा पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने बायोमेट्रिक या फिर आपको अपने जो भी एमपिन बनाया हो उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जो भी वैल्यू होगी दोस्तों वो आपको शो होगी। उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स दिखेगा, तो हम लोग व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम लोग ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो भी आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे होगी। जितनी भी वैल्यू होगी उसकी वो यहाँ पे आपको शो होगी आपके म्यूचुअल फंड के हिसाब से। सपोज़ इस म्यूचुअल फंड में मेरा इतना है, दूसरे म्यूचुअल फंड में मेरा इतनी वैल्यू है, तो जो भी वैल्यू होगी दोस्तों आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अब हम मान लेते हैं कि हमको इस म्यूचुअल फंड में जो मेरी वैल्यू है उसमें थोड़ा पैसा मुझे निकालना है। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप उसमें से थोड़ा पैसा भी निकाल सकते हैं, पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों जितना भी पैसा आपको निकालना हो वो दोस्तों सिंपली दोस्तों यहाँ से निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए दोस्तों करना क्या है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। सपोज इस म्यूचुअल फंड में मुझे पैसे निकालने हैं तो इसके सामने आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा। इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिडीम नाउ का, आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखेगा, आपको जो नंबर होगा, सपोज़ मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो शो होगा, यहाँ पे नाम शो होगा, यहाँ पे वैल्यू शो होगी और उसके बाद यूनिट भी शो होगी। दोस्तों इसमें यूनिट मिलता है, यूनिट के हिसाब से आपका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे टिक करना है इसके ऊपर। तो चलिए हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपकी यूनिट की वैल्यू दिखाएगा, यहाँ पे आपको अमाउंट की वैल्यू शो करेगा। तो अगर दोस्तों आपको कोई अमाउंट लिखाना हो तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं। और बाय द वे अगर दोस्तों आप कोई अगर आपको यूनिट के हिसाब से निकालना हो तो आप यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूनिट भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों यूनिट और अमाउंट में फ़र्क क्या होता है, दोस्तों फ़र्क कुछ नहीं होता है, चाहे आप यूनिट बोल सकते हैं चाहे आप उसकी वैल्यू बोल सकते हैं। तो अगर दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू बोला जाए तो एक बैंक की जो एक यूनिट की वैल्यू होती है वो आपको यहाँ पे शो करेगा NAV में, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू जो यहाँ पे भी SBI निफ्टी इंडेक्स फंड में चल रही है वो 161 रुपये कुछ पैसे दोस्तों है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, दोनों का दोस्तों मतलब एक ही होता है, चाहे भाई पैसे निकाल लो चाहे यूनिट निकाल लो, आएंगे आपके अकाउंट में पैसे ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद अमाउंट में डाल देता हूँ 100, या बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर आप 162 रुपये कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पे दोस्तों नहीं लेगा। मिनिमम दोस्तों जो अमाउंट है यहाँ पे 500 रुपये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम दोस्तों कितना है 500 रुपये है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों 500 से नीचे नहीं निकालना होगा, 500 से ऊपर ही दोस्तों निकाल सकते हैं। आप यूनिट भी दोस्तों ट्राई कर लेते हैं, यूनिट में क्या इतना पड़ेगा। अब दोस्तों यूनिट में आप मिनिमम एक यूनिट निकाल सकते हैं, अगर आपको कम पैसे निकालने हो तो आप यूनिट में दोस्तों डाल सकते हैं और यूनिट में दोस्तों निकल भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अमाउंट से निकालता हूँ क्योंकि अमाउंट सबको ज़्यादा सा कम्फर्ट होगा। तो अमाउंट पे आएंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 500 रुपये, ठीक है। अब 500 रुपये दोस्तों मैंने डाल दिए हैं, आपका जो भी आपको जितना निकालना हो आप अपने हिसाब से जितना पैसा दोस्तों चाहें उतना पैसा निकाल सकते हैं या दोस्तों पूरा भी पैसा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आपका अकाउंट नंबर भी मेंशन होगा, आप चाहें तो दोस्तों इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करना है। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ आप सभी को, आप जब इस इंटरफेस में आएंगे यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है जितना भी आपको निकालना है। अगर यूनिट के हिसाब से निकालना है आपको यूनिट पे क्लिक करना है और यूनिट वहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू रिडीम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये एक बार दोस्तों कन्फर्म करेगा, आपको यहाँ पे दिखाएगा भी दोस्तों कि ये आपका म्यूचुअल फंड है, इतना रुपये आप निकाल रहे हैं और रिडीमेशन डेट आज की डेट पड़ेगी जिस भी डेट को आप निकाल रहे हैं। एग्जिट क्लोज दोस्तों 0 रुपये है, ठीक है।
तो एग्जिट रूट मैंने बता दिया पहले से कैसे क्या होता है, आप मेरी अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको दोस्तों पता होगा। उसके बाद ये जो अमाउंट है दोस्तों इस वाले बैंक में जाएगा, यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे कन्फर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों लिख रहा है आ रहा है, ये थोड़ा सा ना एक वो देगा, मतलब होता नहीं कि जब हम लोग किसी भी पॉलिसी को या फिर किसी चीज़ को हम लोग जब कट करते हैं ना तो एक हिंट देता है। अब देखो यहाँ पे बोला आई हैव अचीव्ड माई गोल इन दिस फंड, मतलब यहाँ से आपको रीजन पूछेगा कि आप ये क्यों निकालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये उनके लिए एक फीडबैक के बराबर काम करता है। तो यहाँ पे मैं सेकंड सेलेक्ट कर लेता हूँ कि आई एम नीड ऑफ फंड, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसके बाद रिडीम नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो ये ओटीपी है वो आपके मेल पे भी जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पे भी जाएगी, तो दोनों में से जहाँ भी आए वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ओटीपी सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा वेट करना है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे थैंक्स फॉर ट्रांजेक्शन आ चुका है और आपको मैसेज भी आ जाएगा कि आपने रिडीम किया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, बस थोड़ा सा दोस्तों आपको रुकना है। थैंक्स फॉर ट्रांजेक्शन विच ये लिख के आएगा और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, थोड़ा सा योर ऑर्डर वगैरह वगैरह फॉर इमिटेशन हैज़ बीन प्लेस सक्सेसफुली, द अमाउंट विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट विद इन नेक्स्ट 3-5 वर्किंग डेज। तो दोस्तों ये आपको जो ध्यान रखना है कि आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में आने में कम से कम 3-5 दिन वर्किंग डेज दोस्तों लग जाता है, ठीक है। अब ऐसा दोस्तों नहीं है कि किसी अकाउंट में पड़े थे आपके अकाउंट में डायरेक्टली चले आएंगे, ये म्यूचुअल फंड के अकाउंट में थे तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों प्रोसेस लगने में ये दोस्तों 3-4 दिन लग जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड से पैसे को अपने बैंक में कैसे विड्रॉल करते हैं, कैसे रिडीम करते हैं। और अगर दोस्तों इस प्रोसेस में आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जोड़ दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।